तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीन बंधु नोचो करो न जनको जननी न जाया नैवा मनो नकुलं विकुलं बलमिव संविष्यते तिलको पिसहाय कोने तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीन। ये प्रार्थना कब की थी? जब वनवास में तेरह वर्ष के वनवास में जब पांडव लोग थे, भीमा एकाक्षी लीला एकाक्षी भीम ने हाथ जोड़कर भगवान के चरणारविंदों को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कहा प्रभु मेरा मन मेरी बुद्धि जैसे आप लोगों ने आखिर में तन मन धन सब ले लिया। क्या बोलो, क्या बोलते हैं, बोलो बोलो सर। पर मैं क्यों बहन से भी रहा है उसने कहा कोई नहीं, भगवान ने कहा कोई नहीं, भगवान ने क्षण पकड़ ली। बोलते महाराज देखो कोई सामने कोई भाई बंधु दिखाई नहीं देता। नो सो धरो न जन को जन ही न जाया जो मेरी रक्षा कर सके नई बात मतलब नो सो धरो न जन को जन ही न जाया नई बात मतलब कुलम नदी कदम बलम बा मेरा कोई बल नहीं है, मेरा आपकी बल नहीं है। सदृश्य के दिल को आपके जैसा सहायता करने वाला आपकी जैसी शक्ति देने वाला आपको बल देने वाला कोई नहीं है। बाहर की शक्ति खत्म हो जाए ना आत्मिक बल रहे। संतों के पास क्या होता है, बैंक बैलेंस नहीं, केवल आत्मिक बल होता है जिसके बल से वो ठाकुर को बने हुए चले हुए खींचे आएंगे। तारों से तार मिला कर दो दे एक बार कन्हैया को अपना बना कर दे बने हुए चले हुए खींचे। तो भीम ने कहा सदृश्य दिल को सहाय को सारे अखिल ब्रह्मांड में मुझे कोई एक दिखाई नहीं देता जो आप मेरे पर कृपा कर दे। सदृश्य दिल को सहाय को में तस्मात् त्वमेव शरणं शरण का सरेंद्र कहें सदृश्य दिल को सहाय को में तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव प्यारे जरा मन में विचारो प्यारे
वासुदेव जी
கொடுத்து மமகிரே दुखी हुए भगवान ने बहुत समझाया प्रातः काल की रात के एक बजे बैठे थे भगवान श्याम सुंदर और विष्णु बैठे थे अर्जुन बैठे थे विष्णु जी को बहुत समझा रहे समझ नहीं पाए श्री भागवत ने कहा आपके नहीं समझे भाई वो उनको वही चिंता है कि मेरे कारण इतना बड़ा हित हुआ हजारों लाखों लोगों की मृत्यु हो गई हित हुआ पांडवों का और कौरवों का जो मेरे काम हुआ और मेरे काम इतने लोगों का अवसान हो गया भगवान ने समझाया कि समझे भगवान ने कहा चलो आओ भगवान ने युक्ति लगाई वाणी का इनके पितामह है मुंडा पुत्र है कहां क्षेत्र के मैदान में सब सैया पर बने भगवान जी का रिश्तेदार सब भाइयों को कहो तैयार हो गए को बुलाओ कुंती को बुलाओ द्रौपदी को बुलाओ पुत्रा को बुलाओ सुभद्रा को बुलाओ सबको बुलाओ ऋषि महाराज चौंक गए अर्जुन चौंक गए कि भगवान पितृ द्वारकाधीश क्या कहे तो बुलाओ चल पड़े सबको रथ पे बैठाया और जब पे हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र रात्रि की वेला है भगवान ने अपने अपने तेजों में रूप से नमस्कार नाभाय नमस्ते जनसाई ने नमस्ते केशवानंद वासुदेव रूप से वासुदेव 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 भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमस्ते नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण सुरंताय सत्यमूर्तये भगवान ने अपना विराट कुरुक्षेत्र एक चाव पर प्रकाश चल रथ चल रहा है चलते चलते वहां पहुंचे रथ वहां पहुंचा जहां पर विषम पितामह सत्या पर खड़े हुए आंखें बंद हैं और आंखों से अशुद्ध धारा का प्रवाहित हो रहा है क्या आंखें बंद हैं और आंखों से अशुद्ध धारा का प्रवाहित भगवान पहुंचे भगवान का तेजों में जेरी के मान जब ऋषि मुनि को पता लगा कुरुक्षेत्र के मैदान में ठाकुर पधारे हैं कन्हैया पधारे हैं निखिल पधारे हैं अजित पधारे हैं सब लोग वहां पहुंच गए